तकरीबन एक साल पहले कानपुर के लोगों ने एक बहुत ही विभत्स घटना देखी थी, जब यहाँ पे एक 17 साल के छात्र कुशाग्र कनौडिया की गला घोट के हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हत्या के जो आरोपी हैं वो उसकी खुद की ट्यूशन टीचर और उसका प्रेमी था। इस पूरे मामले में पुलिस ने बहुत ही जल्द हालांकि घटना का खुलासा कर लिया था, और जो ये घटना पहले ये लग रही थी कि ये फिरौती के लिए की गई है, उसमें बाद में पता चला कि फिरौती मांगने से पहले ही कुशाग्र कनौडिया की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में प्रभात शुक्ला जो कि मुख्य आरोपी था, इसके साथ ही साथ रचिता जो कि कुशाग्र की एक ट्यूशन टीचर थी, वो उसको पढ़ाया करती थी, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर और उसके एक साथी के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, ऐसा पूरा इस मामले में आरोप है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों ही आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है, और इसके साथ ही साथ उनकी संपत्ति जब्त करने का भी पूरा इसमें इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको पहले वो सुनाते हैं। मुकदमा अपराध संख्या 98/2023, धारा 364 ए, 302, 201, 34 आईपीसी पुलिस स्टेशन रायपुर व कुशाग्र कनौडिया से संबंधित अभियोग था। इस अभियोग का सफल अनावरण करते हुए तीन अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। उन्हीं तीन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास संकलित करते हुए प्रभात शुक्ला निवासी ओम नगर दर्शनपुरवा थाना फजलगंज और रचिता वस निवासी ठठोर तहसील नंदपुर जिला अंब हिमाचल प्रदेश और तीसरे शिवा गुप्ता ओम नगर थाना फजलगंज, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इनके आपराधिक इतिहास के आधार पर जो संपत्ति अर्जित की गई है अपराधों से, उसमें 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। सर, इस पूरे मामले में क्या ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत भी इसको लिया गया है और तेजी से कार्रवाई होगी? हाँ, इसको जो है त्वरित न्याय दिलाने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन में भी लिया गया है और सघन पैरवी करते हुए त्वरित न्याय दिलाया जाएगा। इस पूरे मामले में सिर्फ गैंगस्टर की ही कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि पुलिस ने अब इस पूरे मामले को, इस केस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कर लिया है। ऑपरेशन कन्विक्शन में आने के बाद इस जो भी मामले आते हैं उसकी पुलिस की तरफ से पैरवी बहुत तेज होती है, और उसका पूरा कारण ये होता है कि पुलिस उस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करवाना चाहती है और कोर्ट से बड़ी सख्त से सख्त सजा भी दिलवाना चाहती है। कैमरामैन अनिल के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।